जल्द ही चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। इसरो इस महत्वपूर्ण मून मिशन से जुड़ी हर अपडेट शेयर करता है। ऐसे में भारतीय समय के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को सुबह 1:53 पर मिशन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट शेयर की है। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। दरअसल भारतीय स्पेस एजेंसी द्वारा इस प्रक्रिया को करने का मकसद चंद्रयान 3 की रफ्तार को घटाना और उसे चंद्रमा के और करीब ले जाना, यानी चांद की सबसे करीबी कक्षा तक ले जाना था। इसीलिए इस बेहद जरूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। चंद्रयान 3 इस काम में भी सफल हो गया है। इसरो ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि चंद्रयान 3 मिशन में दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया है और अब लैंडर मॉड्यूल 25 किलोमीटर × 134 किलोमीटर पर है। जानकारी के मुताबिक अब मॉड्यूल की इंटरनल चेकिंग होगी और निश्चित जगह पर लैंडिंग के लिए सनराइज यानी सूर्योदय का इंतजार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस लैंडर मॉड्यूल में विक्रम लैंडर है और रोवर है। यहाँ ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अगली सबसे बड़ी प्रक्रिया यानी लैंडिंग की प्रक्रिया 23 अगस्त के लिए निर्धारित की गई है। पावर डिसेंट की प्रक्रिया 23 अगस्त को शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि पावर डिसेंट 23 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार लगभग शाम को 5:45 पर शुरू हो सकती है। इससे पहले 18 अगस्त को इसरो ने लैंडर में लगे हाईटेक कैमरे LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से खींची गई चंद्रमा की क्लोजअप तस्वीरें साझा की। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया था। इसके बाद डी बूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया गया था और बताया गया था कि इसकी ऑर्बिट सफलतापूर्वक घटाई गई है, जिसके बाद अगली डी बूस्टिंग की प्रक्रिया 20 अगस्त के लिए प्लान की गई थी, जो कि अब सफल हो चुकी है, यानी अब चांद ज्यादा दूर नहीं है। इसरो के मुताबिक बेंगलुरु के ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से चंद्रयान 3 की लगातार निगरानी की जाती है, हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। लैंडर मॉड्यूल चांद के और पास पहुंचता जा रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। इसके बाद स्पेस सेक्टर में भारत का रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यकीनन वो पल हर भारतीय के लिए बेहद गौरवशाली पल साबित होगा। गौरतलब है कि साल 2019 में चंद्रयान 2 को चांद की सतह पर लैंडिंग के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक हर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।